आई एम क्षा एंड वेलकम टू पिनेकल कोचिंग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये है हमारी रेलवे की जीएस सीरीज़ जहां पर हम डिस्कस करते हैं टीसीएस द्वारा गए। उन सभी आपको मिल जाएंगे पिनेकल की इस बुक में जिसका नाम है रेलवे जर्नल स्टडीज फिफ्टी टू हंड्रेड चैप्टर वाइज कवरेज ये बुक इजिली अवेलेबल है पे आप वहां ऑर्डर कर सकते हैं इसके अलावा इस बुक को आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप पिनाइकल की वेबसाइट पर जाकर ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं सारे इम्पोर्टेंट लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज के सेशन में हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को कवर करने की um, कोशिश करेंगे इस सेशन में तो देखते हैं कि आज के सेशन में क्या फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी द लॉन्ट कैपिटल पिलर इज लोकेटेड एट लॉन्ट कैपिटल ये आपको बताना है ऑप्शन दिए हैं सारनाथ बारबर हिल्स धोली नागार्जुन हिल्स बताइए क्वेश्चन नंबर है 951 अभी तक हम 950 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं जिसने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकता है हाँ जी जल्दी से बताइए इसका आंसर राइट right, जो सारनाथ कह रहे हैं बिल्कुल सही है ईजी क्वेश्चन था इजीली हो जाएगा कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन की इसमें जरूरत नहीं है तो सारनाथ से है ठीक है सारनाथ इसका आंसर है राइट right? हां जी तो लाइन कैपिटल पिलर इज लोकेटेड एट सारनाथ सा, सारनाथ में है ये पिलर किसने बनवाया था अशोक ने बनवाया था ये सभी को पता है राइट right? आगे चलते हैं हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन इंडेक्स uh, जो है जारी किया जाता है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको uh, जारी करती है हाउ बिजनेस स्कूल इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या है राइट right. जो डी uh, कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है वर्ल्ड बैंक ग्रुप हर साल ईज ऑफ डूइंग ऑफ़ ऑफ़ बिज़नेस बिज़नेस जो है इंडेक्स uh, इंडेक्स ये डूइंग रिलीज करता है ठीक है टोटल कितनी कंट्रीज इसमें uh, वो लिस्टेड है कितनी कंट्रीज uh, की लिस्ट को जारी किया जाता है 190, ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है आगे चलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस चीज के लिए फेमस है टाइगर लाइन हॉर्न राइनो इजी क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क असम के बारे में बात हो रही है राइट वन हॉन राइनोसॉर ठीक है तो वन एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये है असम में ठीक है ना और uh, कब डिक्लेयर किया गया था इसको नेशनल पार्क 1974 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है चलिए इंडियन एयरफोर्स वॉज एस्टैब्लिश ऑन भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी ऑप्शंस क्या दें आपको एट्थ अक्टूबर 1932 थर्टी uh, टू 1932 नाइनटीन दिसंबर या फिर टेंथ अप्रैल ईयर सेम है सब में हाँ जी बताइए राइट एट अक्टूबर नाइनटीन ठीक है तब एस्टैब्लिश किया था इंडियन एयर फोर्स को चले आगे चलिए हु हैज बिल्ड द हवा महल हवा महल किसने बनवाया ये पिछ, आ, पिछले वाले सेशन में भी हमने इसके बारे में बात की थी जहां पे हवा महल के आर्किटेक्ट का नाम पूछा था वहां पर हमने बताया था उसका नाम तो उस टाइम पे आ, हमने आ, ये भी बताया था कि कौन से राजा ने बनवाया था हाँ जी बताइए महाराजा कुआ आ, कुमार सिंह महाराणा प्रताप सिंह महाराजा सवय प्रताप सिंह या राजा जय सिंह हाँ जी बताइए क्वेश्चन नंबर हवा महल है जयपुर राजस्थान में राइट right, जो सी कह रहे बिल्कुल ठीक है महाराजा सवई प्रताप सिंह इसका राइट right आंसर है महाराजा सवय प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था 1799 नाइनटी नाइन में

वॉर 1999 को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय नेक्स्ट क्वेश्चन अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सुफी सेंट यहाँ पे सुफी सेंट के नाम दिए गए हैं आपको चार और आपको बताना है अजमेर के साथ आ, किसका संबंध है कौन से सुफी सेंट का संबंध है ये आपको बताना है हाँ जी बंदा नवाज गैसुदराज ख्वाजा मोनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया या बाबा फरीद right. ख्वाजा ख्वाजादीन चिश्ती तो आ, ख्वाजा मोनुद्दीन चिश्ती जो है वो एसोसिएटेड है अजमेर के अजमेर के साथ और वहां पे उनकी दरगाह भी है राइट right? ख्वाजा मोनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहां पे जहां पे जाते हैं अजमेर में सब लोग ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है बाकी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है पढ़ सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके चलिए आगे चलते हैं हां जी खराई ऊट मुख्य रूप से आ, क्या खाने के लिए जाना जाता है खराई कैमल्स आर नॉन टू मेनली फीड ऑन जो खराई कैमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं कैक्टस मैंगूव जोशुआ ट्री या ब्रिटल बश ब्रिटल बुश बताइए क्या है इसका आंसर राइट right, मैंग्रोव्स इसका राइट right आंसर है जो खराई कैमिकल कैमल्स uh, होते हैं ऊंट जो होते हैं एक विशेष प्रकार की प्रजाति है खराई कैमल कैमल्स की तो वो क्या खाती है मैंग्रोव्स खाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क डू वी फाइंड द हंगुल आपको कहां पे मिलेगा कश्मीर uh, कश्मीर स्टैग है एक तरह का अब हिरन है एक तरह का हम किसी किस वन्य जीव आ, या राष्ट्रीय उद्यान में हंगूल आ, पाते हैं कहाँ पे मिलता है ये हंगूल कौन सी वाइल्डलाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में पाया जाता है काना नेशनल पार्क डाचिगम सेंचुरी मुदुमलाई सेंचुरी या दुदुआ नेशनल पार्क अगर इसको एलिमिनेशन से भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं क्योंकि कश्मीर स्टैक है कश्मीर का हिरन है हंगूल तो वो कश्मीर में कौन सी है आपको पता होना चाहिए हाँ जी बताइए क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन फिफ्टी नाइन राइट डाचिगम सेंचुरी जो है वो कश्मीर में है तो वहां पे ये हिरन पाया जाता है हंगूल ठीक है इसके अलावा बाकी सारे आपका होमवर्क है बाकी सारे जो नेशनल पार्क है या सेंचुरीज हैं उनकी लोकेशन आपको मुझे बतानी है नेक्स्ट सेशन में हम इस पे डिस्कस करेंगे चलिए आगे चलते हैं

ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर कितने लोग होते हैं एक चेयरपर्सन होता है और चार मेंबर होते हैं और अभी जो करंट चेयरपर्सन है उनका नाम यहाँ पे लिखा है अरुण कुमार मिश्रा इसको आप याद कर लीजिए चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन द रिसर्चर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट है फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रोप्रोसेस दैट कैन बी यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस इनमें से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रोप्रोसेसर को डिजाइन और बूट किया है जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है आईआईटी दिल्ली आईआईटी कानपुर आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की राइट आईआईटी मद्रास इसका राइट right आंसर है चलिए विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है वी क्यूर इन इज द फादर ऑफ द वाइल्ड रिवोल्यूशन इन इंडिया द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया इन चाइना मध्य प्रदेश इज द हाइएस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया या फिर सेफ्रॉन इज कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर हाँ जी बताइए राइट right, जो बी कह रहे हो बिल्कुल सही है रेडक्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है इसके अलावा जो बाकी तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है ठीक है, जो है, है. तो जो बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन ना कि इंडिया और चाइना के बीच में ठीक है जो इंडिया और चाइना के बीच में है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन मैकमोहन लाइन ठीक है ये दोनों चीजें जो है आपको याद रखनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो रेड क्लिफ लाइन है बॉर्डर को बोला जाता है और इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है लैंड बॉर्डर उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्किटेक्ट डिजाइन द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है वो उसके आर्किटेक्ट का नाम आपसे पूछा है बहुत बार क्वेश्चन मैं अपनी इस सीरीज के दौरान करा चुकी हूँ तो आप फटाफट फड़ से इसका मुझे आंसर बता दीजिए राइट right. जो जॉर्ज विटेट कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है जॉर्ज विटेट उसके आर्किटेक्ट हैं, ठीक है बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख लीजिएगा कि किसके आने की उपलक्ष में इसको बनवाया गया था किसके वेलकम के लिए बनवाया गया था कौन सी जो है क्वीन आने वाले थे वो आप यहां पे सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा चले आगे विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज बिन फॉलोइंग ब्लॉक प्रिंटिंग सिंस द लास्ट थ्री सेंचुरीज राजस्थान का कौन सा समुदाय पिछले तीन शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है हाँ जी चिप्पा बिश्नोई खत्री या खटीक हाँ जी बताइए राइट right, चिप्पा तो चिप्पा इसका आंसर है चिप्पा कम्युनिटी जो है वो पिछले सेंचुरी से जो है ना यही ब्लॉक प्रिंटिंग वाला जो काम है ना वो कर रही है ठीक है तो ब्लॉक प्रिंटिंग किस पे फैब्रिक्स पे होती है उसके बेसिकली क्लोथ्स बनाए जाते हैं चाहे वो मफलर हो चाहे वो सूट्स हो ट्राउजर्स हो ये सारी चीजें जो गर्ल्स हैं उनको ज्यादा पता होगा ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में ठीक है तो ये जो चिप्पा कम्युनिटी है इसका स्पेशलिटी है यही कम्युनिटी इसको करती है और जो है यहीं से हुआ है राजस्थान के बागरू डिस्ट्रिक्ट से तो उसको बागरू प्रिंट भी बोला जाता है एक तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग को राइट आ, इसके अलावा जो बाकी कॉम्युनिटीज है जैसे बिश्नोई कम्युनिटी है कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनके बारे में दी गई है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे कि खट्टी कम्युनिटी तो जो है ये इंडिया पाकिस्तान नेपाल इस जगहों पर जो है वो पाई जाती है एथनिक ट्राइब है एक तरह का राइट ऐसी और चीजें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं चले आगे चलिए लॉन्गेस्ट केनाल के बारे में पूछा है वर्ल्ड में वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट केनाल कौन सा है बीजिंग इरी कैनाल सतलुज यमुना लिंक केनाल या इंदिरा गांधी केनाल वर्ल्ड का लार्जेस्ट पूछा है आपसे राइट बीजिंग ग्रैंड कैनाल इसका राइट right आंसर है ये लॉन्गेस्ट केनाल है वर्ल्ड की और जो इसका हाइट है वो है 138 फीट ठीक है बाकी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं चले आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

फॉर्मुलेटिंग द कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स टू इंश्योर सेफ्टी इन द फूड इंडस्ट्री ये काम नहीं होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का इसके अलावा बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट ऑप्शन हैं ठीक है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बी आई एस जो है वो क्या है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल uh, है स्टैंडर्डाइजेशन uh, करती है मार्केटिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन देती है गुड्स का ठीक है फोर मैटर्स कनेक्टेड इन और इंसिडेंटल इनसिडेंटल देयर टू ये आप एक्स्ट्रा देख लेना यहाँ पे जो भी है ठीक है बेसिकली क्या करती है ये स्टैंडर्डाइजेशन मेकिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन करती है गुड्स का राइट right? आगे चलें चलिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एज एन एग्जांपल ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक uh, किस चीज का उदाहरण है ये आपको बताना है किस चीज का एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है सेक्टर है या कोपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया राइट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी कब स्टेब्लिश uh, हुई 19 जनवरी 1954 में हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली सीईओ है अभी सोमा मंडल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द इंडिया टू हंड्रेड रुपी नोट भारत के दो सौ रुपए के नोट पर इनमें से किससे दर्शाया गया है अगर आप दो सौ रुपए का नोट देखेंगे तो उसपे किस चीज की पिक्चर है ये आपको बतानी है रेड फोर्ट एलोरा केव्स मंगलयान या स्तूप हाँ जी बताइए राइट साची स्तूप साची स्तूप जो है उसका पिक्चर बना हुआ है 200 के नोट पे बाकी भी हम देख लेते हैं जैसे कि रानी की वाव का पिक्चर जो है वो बना हुआ है हंड्रेड रुपीज के नोट पे फिर रेड फोर्ट जो है वो फाइव हंड्रेड रुपी के नोट पे बनाया हुआ है और मंगलयान जो है वो दो हजार के नोट पे है राइट और दस रुपए के नोट पे सन टेम्पल है ट्वेंटी रुपीज के नोट पे एलोरा केव्स है ये ट्वेंटी रुपीज वाला जो है ना ये पूछा जा चुका है फिर इसके अलावा फिफ्टी uh, रुपीज के नोट पे जो है वो स्टोन चैरियो ऑफ हम्पी कर्नाटका हम्पी का जो टेम्पल है कर्नाटका uh, में जो है वो बना हुआ है फिफ्टी रुपीज के नोट पे चलिए डेक्कन उड़ीसी इज अ डेक्कन उड़ीसी क्या है बोटानिकल गार्डन का नाम है या क्रिकेट स्टेडियम का नाम है लग्जरियस लग्जरी ट्रेन ट्रेन का नाम है या फाइव स्टार होटेल है बताइए राइट right. ट्रेन है डक्कन उड़ीसी इज अ लग्जरी ट्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टू हंड्रेड टू थाउजेंड इलेवन द अर्बन रूरल पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया वॉज अबाउट थर्टी वन इज टू सिक्सटी नाइन थर्टी टू इज टू सिक्सटी एट ट्वेंटी एट इज टू सेवेंटी टू या फिर थर्टी फाइव इज टू सिक्सटी फाइव हाँ जी बताइए राइट थर्टी वन इज सिक्स नाइन दो हजार ग्यारह के अकॉर्डिंग जो अर्बन रूरल पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो थर्टी वन इज टू सिक्स है फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इनमें से कौन भारत में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं करता है यह आपको बताना है कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है वो लिस्टेड नहीं है आनंद भवन सांची भीमबेटका का या खजुराव राइट right, आनंद भवन आनंद भवन जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड नहीं है इसके अलावा सांची सू बेट का और खजुराव के जो टेम्पल्स हैं वो ये तीनों के तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर जो है वो लिस्टेड हैं ठीक है अभी आनंद भवन है कहाँ पर ये हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम है प्रयागराज प्या, uh, में ठीक है uh, बाकी आप सांची सूप भीम बेटका और ये जो है ये तीनों के तीनों जो है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर रिकॉर्डेड है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन इज अ सिक्स डिजिट कोड यूज्ड बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट व्हाट इज द फर्स्ट टू डिजिट ऑफ द कोड स्टैंड पोस्ट ऑफिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या सब रिजन और वन ऑफ द पोस्टल सर्कल आपको क्या बताना है आपको बताना है जो पिन कोड होता है जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है वो छह डिजिट्स का नंबर होता है उसके जो पहले दो डिजिट्स होते हैं वो क्या दर्शाता है डिस्ट्रिक्ट का कोड है वो या डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का कोड है म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन का कोड है या सब रीजन या वन ऑफ द पोस्टल सर्कल है यह आपको बताना है चलिए राइट सब रीजन एंड और वन ऑफ द पोस्टल सर्कल का इनकोड करता है पहले दो डिजिट्स ठीक है इसके अलावा uh, और कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है बाकी आप यहां से पढ़ लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन Whom does the census 2011 identify as a literate person? A person aged 5 years and above who can read and write in any of the languages listed in the 8th schedule of the constitution. A person aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language. Yeah, a person who can read his or her name and address in any language. Yeah, a person aged 7 years and above who can read. राइट and and हाँ के के right, जो बी कह रहे बिल्कुल ठीक है एक पर्सन जिसका उम्र जो है वो सेवन ईयर या उससे ज्यादा है और वो पढ़, पढ़ सकता है और लिख सकता है कोई भी लैंग्वेज को ठीक है और समझ सकता है तो उसको लिटरेट पर्सन की सूची में डाला गया है अकॉर्डिंग टू द थाउजेंड इलेवन उर्दू इज ऑल्सो रेफर टू एज उर्दू जो है वो आ, और किस के रूप में भी जाना जाता है अवधि या शोरासनी फारसी या लश्कारी जबान हाँ जी बताइए राइट डी लश्कारी जबान इसका राइट right आंसर है उर्दू को लश्कारी जबान भी बोला जाता है ठीक है इट इज ऑल्सो नोन एज कैंप लैंग्वेज कैंप लैंग्वेज भी बोला जाता है इसको बिकॉज इट ऑरिजिनेटेड इन द आर्मी कैंप ऑफ मुगल क्योंकि ये ऑरिजन जो था इसका कहां से हुआ था मुगल्स का जो आर्मी कैंप था वहां से इसका ओरिजिन हुआ था और इसको बोला जाता है लश्कारी जबान चलिए फॉलोइ आर्किटेक्चुरट दल ताजमहल को सजाने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस वस्तु तकनीक का उपयोग किया गया था पेट्राडरा रिलीफ मोजाइक या तीसरा uh, है टेरेसाई टेस्सेरा हाँ जी बताइए राइट right. ड्यूरा तो ड्यूरा का यूज़ किया गया था ताजमहल को सजाने के लिए ठीक है तो ड्यूरा क्या है आर्किटेक्चरल टेक्निक है जो कि ताजमहल को सजाने के लिए यूज़ किया गया था आर्किटेक्ट का नाम अगर पूछा जाए तो आप याद रख लीजिए उस्ताद अहमद लाहौरी उसका नाम था ठीक है शाहजहा ने बनवाया था ये सभी को याद है अपनी वाइफ की याद में मुमताज़ महल कब बनवाया 1632 एंड 1653 एडी के बीच में इसको बनवाया गया था चले आगे चलिए हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गोमतेश्वर स्टैचू एट श्रवण बेंगोला इज मेड ऑफ विच मटेरियल गोमतेश्वर स्टैचू श्रवण बेंगोला में है वो किस स्टोन का किस मेटल का या मटेरियल का बना हुआ है ग्रेनाइट रेड स्टोन आयरन और या मार्बल राइट right, ग्रेनाइट इसका राइट right आंसर है ग्रेनाइट का बनाया गया है पूरे स्टैच्यू को कब कंस्ट्रक्ट हुआ था 981 एडी में ठीक है चमुंद्राय जो गंगा वॉरियर है उसने इसको बनवाया था ठीक है चले आगे सिंगल एक ब्लॉक है ग्रेनाइट का उसको ही कार्व आउट करके तराश के बनाया गया है इसको ठीक है हिल का नाम याद रख सकते हैं आप विंध्यागिरी हिल्स के ऊपर इसको बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इन टोटल हाउ मेनी बायोस्फेयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको बताना है ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं राइट एटीन जो 18 कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो एस्टैब्लिश uh, हुआ था 1986 में और कहां पे लोकेटेड है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है ये आपको याद रखना है चलिए एज पर कंपनी लॉ टू थाउजेंड द कॉरपोरेट डिस्प्यूट आर हैंडल बाई आपको बताना है कंपनी कानून 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ऑप्शंस क्या दिए हैं लोअर कोर्ट हाई कोर्ट स्टेट कोर्ट या फिर एनसीएलटी बताइए हाँ जी 978, राइट एनसीएलटी इसका राइट uh, आंसर right है ठीक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बाकी इंफॉर्मेशन जो है यहां पे लिखी हुई है आप इसको यहां से देख सकते हैं हाँ जी अः नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से कौन सा रिवोल्यूशन है विच वॉज द सडन इंक्रीज जिसने क्या किया था विच सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल ड्यू टू प्लांटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑयल सीड्स कौन सी क्रांति है जिसके uh, संकार तिलहनों के uh, रोपण के कारण खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई थी वृद्धि अचानक वृद्धि हो गई थी गोल्डन रेवोल्यूशन येलो रेवोल्यूशन ब्लैक रेवोल्यूशन या ब्राउन रेवोल्यूशन बताइए एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन uh, इंक्रीज हो गया था कौन सा रेवोल्यूशन उसको बोला गया था यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर है नाइन सेवेंटी नाइन राइट येलो रेवोल्यूशन ये आपको याद रखना है ठीक है इसके अलावा जो गोल्डन रेवोल्यूशन uh, है वो किस चीज से रिलेटेड है किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन ब्राउन रेवोल्यूशन कॉफी एंड ब्लैक रेवोल्यूशनिएटेड विद पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ था उस टाइम पे तो उसको बोल दिया गया ब्लैक रेवोल्यूशन ऐसे ही व्हाइट रेवोल्यूशन याद रखा है रखना है आपको एंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी याद रखना है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न स्टेटस कंपनी सेवन महारत्न कंपनीज जो है वो है इंडिया में सेवन uh, को स्टेटस दिया गया है महारत्न स्टेटस तो आपको बताना है वो साथ के साथ आपको याद रखनी है हमने प्रीवियस सेशन में बहुत बार उनको याद किया है तो अब यहां पर आपको बताना है कौन सा उसमें लिस्ट, से कौन सा नहीं है उन सातों में गेल बी एच नहीं एल या एम टी एन एल राइट एम टी एन एल इसका राइट right आंसर है एम टी एन एल जो है वो महारत्न स्टेटस नहीं मिला है इस कंपनी को चलिए हु यूज द टर्म यूनाइटेड नेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम ये मैं पिछले सेशन में भी करा चुकी हूँ कि किसने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था यूनाइटेड नेशंस एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन एक जगह एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये जरूर बताया था जल्दी से इसका आंसर बताइए राइट बी Franklin डी रोजवेल्ट ये आपको याद रखना है यूनाइटेड Nations से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अलग से एक टॉपिक मैंने आपको प्रिपेयर भी करवाया था वीडियो के एंड में तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं आ, तो इसका आंसर है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट इन्होंने ये टर्म दी थी यूनाइटेड नेशंस ठीक है कितने इसके मेंबर्स होते हैं कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं कौन से नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं कहाँ पे हेडक्वार्टर है ये सब कुछ आपको याद रखना है चले आगे चलिए हाँ जी ईअर आपको फिल करना है फिलिंग द ब्लैंक में फ्रॉम

राष्ट्रीय पुस्तकालय पर स्थित है मुंबई कोलकाता चेन्नई या न्यू दिल्ली चलिए राइट कोलकाता इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ महारत्न कौन सी इस कैटेगरी में आता है राइट आईओ सी एल ठीक है तो सेवन uh, महारत्न कंपनीज जो भी हैं आपको यहाँ पे याद रखनी है ठीक है बी एच एल बीपीसीएल सीआईएल एचपीसीएल ये सारी चीजें हैं ये यह आप यहाँ पे देख लीजिएगा चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच बायोरिजर्व ऑफ इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फेयर रिजर्व विश्व नेटवर्क बायोस्फेयर रिजर्व में भारत के कौन से जैव भंडार शामिल नहीं है सुंदरबन मानस गल्फ ऑफ मन्नारिया नंदा देवी हां जी बताइए राइट बी इसका आंसर है ठीक है मानस बाकी चीजें आप यहां देख सकते हैं ये वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूडेड नहीं है ठीक है कहां पे है ये असम में है सभी को पता है ये बाकी चीजें सुंदरबंस कहाँ पे लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है फिर सुंदरबन डेल्टा जो है अभी तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है गल्फ ऑफ मन्नार सभी को पता है रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी तक है तमिलनाडु में फिर नंदा देवी सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया में आफ्टर कंचनजंगा ये इंपॉर्टेंट है पूछा जा चुका है कहाँ पर सिचुएटेड है चमोली डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में चलिए एयर इंडिया लोगो कंसिस्ट ऑफ एयर इंडिया का जो लोगो है ये पूछा है क्या है उसमें ए फ्लाइंग स्वैन ओनली उड़ता हुआ हंस है या फिर फ्लाइंग डक विद द व्हील ऑफ कोनाक इनसाइड इट फ्लाइंग क्रेन विद द व्हील ऑफ कोनाक इनसाइड इट या फ्लाइंग स्वैन विद द व्हील ऑफ इट बताइए राइट right, डीस का आंसर है एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोनार्क का पहिया है जो सन टेम्पल है उसमें एक चक्र होता है वो उसमें बना हुआ है स्वैन के अंदर ठीक है आगे चले द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट विकास की अवधारणा इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी रियो डेक्लोरेशन जोहैंसबर्ग डेक्लेरेशन एजेंडा ट्वेंटी वन या बटलैंड रिपोर्ट हां जी बताइए राइट डी ठीक है right, बटलैंड रिपोर्ट इसका राइट right आंसर है इस रिपोर्ट को और क्या बोला जाता है आर कॉमन फ्यूचर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को इनकॉर्पोरेटेड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी जितने भी इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स हैं और कब उनकी स्थापना हुई यह आपको जरूर याद करना है और कहाँ पर वो सिचुएटेड है हां जी इसका बताइए पहले आप टिस्को का हाँ जी क्या है आंसर राइट बी 1907 में इसकी स्थापना हुई थी कहा पर हुई थी जमशेद टाटा ने करी थी कहां पर जमशेदपुर झारखंड में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ वेबसाइट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन से कौन सी वेबसाइट है जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है ये आपको बताना है हाँ जी एन टी निक डॉट निक ये तो है इग्नो एसी ये भी है ऑनलाइन ई एस बी आई या फिर एजुकेशन वाला बताइए चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, गए हैं राइट सी ऑनलाइन एस बी आई ऑनलाइन एस बी आई जो बैंक से रिलेटेड एस बी आई बैंक का वेबसाइट है ना कि एजुकेशन से रिलेटेड ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस सेशन का चलिए संस्कृत बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है संस्कृत एस्ट्रो एस एशियाटिक तिब्बतो बर्मन द्रवेडियन या फिर इंडो यूरोपियन राइट इंडो यूरोपियन इसका राइट uh, आंसर right है इंडो यूरोपियन जो फैमिली है लैंग्वेज की उससे बिलोंग करती है संस्कृत ठीक है तो इसमें टोटल टेन ब्रांचेज है ये आप देख लेना डिटेल में टेन ब्रांचेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली कौन सी टेन ब्रांचेज है uh, यहाँ पे दी गई हैं अमेरिकन बाल्टो स्लाविक एंड ग्रीक जर्मेनिक इंडो इरानियन ये सारी चीजें ठीक है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलग्रीम प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट इसमें से कौन सी जगह जो है वो बुद्धिस्ट का एक पवित्र तीर्थ स्थल नहीं है ऑप्शन ग्वालियर बोधगया कुशीनगर सारनाथ ग्वालियर नहीं होगा बोधगया कुशीनगर और सारनाथ इन तीनों जगहों पर जो है गौतम बुद्ध जा चुके हैं कुछ ना कुछ किया है या तो फर्स्ट सामन दिया है एक जगह पर उनका बर्थ हुआ है ठीक है ये सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ए इसका आंसर है ग्वालियर में कोई इनका तीर्थ स्थल नहीं है ठीक है कुशीनगर में क्या हुआ था महापरिनिर्वाण निर्वाण उनको प्राप्त हुआ था आफ्टर हिज डेथ सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना स्पीच दिया था ठीक है और ऐसे ही बाकी चीजें भी आपको याद रखनी है बोध गया सबको पता है बोध गया में एनलाइटमेंट हुआ था उनको बोधि ट्री नाम है सेक्रेट बोधी ट्री है वहां पे एक चले आगे हाँ जी यहाँ पे आपको भरना है एक स्पाइस uh, का नाम एक uh, टी नीम या राइस किसी uh, चीज का नाम भरना है इज अ फर्स्ट इंडियन आइटम अंडर द जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग जी आई टैग जिसे मिला है थ्रू द ट्रिप्स एग्रीमेंट इंडियन टर्मरिक दार्जिलिंग टी इंडियन नीम या फिर बासमती राइस 992 राइट right, बी दार्जिलिंग टी ठीक है दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला है सबसे पहले आ, बात कर लेते हैं अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू एफ लोगो क्या है इसका ये बताना है जेन पांडा एलिफेंट टाइगर या रेड पांडा हां जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो लोगो है वो है जेन पांडा विशाल पांडा ठीक है हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में कब बना ये ट्वेंटी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी इज द टॉम्प ऑफ अकबर सिचुएटेड कौन सी जगह पर अकबर का मकबरा है ठीक है चंडीगढ़ चेन्नई वाराणसी आगरा आगरा इसका राइट right आंसर है इजी क्वेश्चन है सबको पता ही है तो। ठीक है, चलिए हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है द थाल हैवी वाटर प्लांट वॉज कमीशन इन थाल हेवी वाटर प्लांट कब कमीशन किया गया था यह आपको बताना है हाँ जी क्या है इसका आंसर राइट right, 1987 में तो थाल हेवी वाटर प्लांट वाज कमीशन इन 1987 इट हैज इट हैज एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 30 मिलियन टन पर ईयर चले आगे हाँ जी नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड भारतीय वन संरक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है कौन सी सिटी में लोकेटेड है ये आपको बताना है कोलकाता देहरादून लखनऊ दिल्ली राइट right. बी इसका आंसर है देहरादून चले आगे हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको यहां पे भरना है विच इज एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर यानी कि एन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द एप्लीकेशन इज यूज फॉर ऑटोमेशन ऑफ इन हाउस एक्टिविटीज ऑफ लाइब्रेरीज एंड टू प्रोवाइड वेरियस ऑनलाइन मेंबर सर्विसेज़ हाँ जी इसमें से आ, कौन सा जो है वो एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना औद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है ठीक है जल्दी से बताइए ई ऑफिस दिशा या ई ग्रंथालय राइट डी इसका बिल्कुल सही आंसर है ई ग्रंथालय इसका राइट आंसर है ई ग्रंथालय चले आगे चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें से कौन सा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है ऑप्शंस क्या दिए आपको ऑप्शंस ये है ताजमहल रेड फोर्ट चार मीनार या फिर एलिफेंटा केव्स राइट सी चार मीनार चार मीनार जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है ठीक है इसके अलावा ताजमहल जो है 1982 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रिकॉर्ड हुआ रेड फोर्ट भी हो चुका है 2007 में फिर बाद में एलिफेंटा केव्स भी हो चुका है 1987 में चले आगे हाँ जी इसमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है दैट नेटवर्क द एग्जिस्टिंग एपीएमसी एपीएमसी क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कॉम्युनिटी इसमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा ए है यानी कि कृषि उत्पादन विपन समिति मंडियों को नेटवर्क करता है ठीक है ई नाम ई ऑफिस ई पाठशाला या ई प्रोक्योरमेंट बताइए हाँ जी क्या है इसका आंसर राइट ए ई नाम इसका आ, राइट आंसर है तो ई e नाम एक तरह का ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जहां पे जो है जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी जो मंडीज है उनको आपस में जो है ना जोड़ता है ये नेटवर्क बनाता है इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हैज बिन डिक्लेयर एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया बताइए किस जानवर को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है रॉयल बंगाल टाइगर एशियाटिक चीता एलिफेंट या वन हॉर्न राइनो राइट right. एलिफेंट इसका राइट right आंसर है एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ फाइव सिख तख्त आपको बताना है इसमें से कौन पांच सिख तख्तों की सूची में नहीं है श्री दम दमदामा साहिब तलवंडी साबो या भटिंडा ये एक ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है श्री पटना साहिब पटना श्री रकबगंज साहिब न्यू डेली या श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर राइट right. uh, जो सी कह रहे हो बिल्कुल ठीक है सी क्या है श्री रकाबगंज साहिब न्यू डेली जो है वो पांच सिख तक जो है उसके अंदर नहीं है इसके अलावा जो बाकी तीन ऑप्शन है ये तीनों के तीनों जो है वो पांच सिख्त तक, तख्त जो है उनमें इंक्लूडेड है बाकी इंफॉर्मेशन आप यहां पे देख सकते हैं आ, वीडियो को पोज करके चलिए विच फोर्ट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ चेनाब रिवर आपको बताना है कौन सा किला बनाया गया था चेनाब रिवर के किनारे पे ऑप्शन है अः चिक्तन फोर्ट आ, अकनूर फोर्ट बाहू फोर्ट हरिपर्वत फोर्ट राइट right, बी इसका राइट right आंसर है अखनूर किला अखनूर किला जो है वो चिनाब रिवर के किनारे पे बनाया गया था ठीक है किसने बनवाया था राजा आलम सिंह ने बनवाया था 1802 में और इसके आर्किटेक्ट का नाम है उस्ताद बेग कश्मीरी टूम ऑफ शेरशाह सूरी इज सिचुएटेड इन शेरशाह सूरी का टूम कहां पर है फतेहपुर सिकरी आगरा सासाराम या न्यू दिल्ली हाँ जी बताइए राइट right. सासाराम पे जो है वो टूम है शेरशाह का ठीक है सासाराम टाउन कहाँ पर है बिहार स्टेट में है बाकी चीजें आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं कि क्या उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है विच पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस फॉर द यूज ऑफ टूरिस्ट इन हिली एरियाज सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी पहाड़ियों क्षेत्र में पर्यटन पर्यटकों के उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है पवन हंस लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्लोबल डॉक्टर हेलीकॉप्टर या फिर एयर इंडिया हां जी कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान कर रही है हिली एरियाज में लोगों को आम लोगों को राइट पवन हंस लिमिटेड इसका राइट आंसर है चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सिंस द ईयर आपको बताना है ईयर भरना है कौन से साल से फ्लेम ऑफ uh, अमर जवान ज्योति इज कंटिन्यूसली बर्निंग अंडर द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया गेट एट न्यू दिल्ली नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के प्रसिद्ध स्मारक के नीचे अमर जवान ज्योति की ज्योति किस वर्ष से लगातार जलती आ रही है 1947 1971 1965 या राइट बी इसका आंसर है 1971 तो 1971 तो से ये लगातार जो है जलती आ रही है, अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के नीचे बहुत लोग ने पर्सनली जाके देखा भी होगा इसको चलिए तो ये थे आज के सेशंस के कुछ क्वेश्चंस एक सेशन और लगेगा और फिर बाद में जो है आपका स्टेटिक जीके वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर बाद में हम कुछ एक अलग टॉपिक uh, स्टार्ट करेंगे अलग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और भी अच्छी तैयारी करने के लिए आपको जरूरी है कि आप मोक टेस्ट लगाएं जितने ज्यादा मोक टेस्ट लगाएंगे उतने ज्यादा कंसेप्ट फैक्ट्स आपको याद रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मोक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए और मोक टेस्ट को इवेलुएट करना बिल्कुल भी मत भूलिए अच्छे से इवेलुएट कीजिए देखिए कि आपने जो आंसर टिक किया है वो क्यों गलत हुआ आपने क्या सोचा था और एक्चुअल में क्या Uh, uh, जो है आपने मार्क किया क्यों मार्क किया अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए इस बुक को पढ़िए खरीदिए अच्छे से देखिए प्रैक्टिस कीजिए टाइमर लगाइए साथ में और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए राइट तो ये थी मेरी सलाह आपको आपके प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए स्टे से स्टे हेल्दी थैंक यू